नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24 पे। तो आज का जो वीडियो है ये उन छात्रों के लिए है जो छात्र ने हमारे बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के लिए अपनी रुचि दिखाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे मैसेज आ रहा था कि किस तरीके से एग्ज़ाम ये टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ का होने वाला है, ठीक है। तो 60 डेज़ में आपको क्या करवाया जाएगा, तो जैसे कि हमारे पास मंडे टू फ्राइडे जो है वो वर्किंग डे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल आइडिया नहीं है, बट स्टिल हम लोग ये मान के चलते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। मंडे के दिन ऐसे होगा कि आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट ली जाएगी, फिर हिस्ट्री का टेस्ट लिया जाएगा नेक्स्ट डे, फिर ज्योग्राफी का, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपको वीकेंड टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब कि उसमें 150 क्वेश्चन आपको दिखेगा और जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित रहेंगे। बट जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी टेस्ट होगी वो टॉपिक टेस्ट होगा। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि हिस्ट्री में ये टॉपिक आज पढ़ना है, सुबह को आपको बता दिया जाएगा और वो आप रात तक पढ़ सकते हैं। और रात में आपको लिंक दिया जाएगा गूगल फॉर्म टेस्ट का, उसको आप फिर जो भी अपना पढ़ाई किए हैं दिन भर उसके बेसिस पे आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में अगर मार्क्स बहुत अच्छा आता तो बहुत अच्छी बात, अगर आप उतना मार्क्स फेच कर पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि अपना डाउट भी ये इस ग्रुप में आप रख सकते हैं अपने डाउट को, फिर जो एडमिन है वहाँ पे क्लियर किया जाएगा आपके ग्रुप को। तो ये है फीचर। और ये जो टेस्ट लिंक है आपको 8, 8:30, 9 जो भी आप लोग के हिसाब से आपको कंफर्टेबल टाइम होगा उस टाइम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। जब आप टेस्ट दे देते हैं तो नेक्स्ट अब इसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवाइज़ करने के लिए क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ विद आंसर मार्क करके दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा ये सब। और इसके बेसिक फीचर्स तो यही हो गए, और अगर कोई भी आकर आपको डाउट आता है तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, प्लस इसमें एक और फीचर है जो कि ये है कि बॉट क्विजेज करवाए जाएंगे। बॉट क्विजेज भी आपका जो होगा ये टॉपिक पे होगा, ये आपके सब्जेक्ट पे होगा, ये फुल लेंथ भी हो सकता है, तीनों तरीके का। मतलब अगर आपके पास आप यूजुअली फ्री अगर हैं तो आप बॉट के थ्रू भी टेस्ट ले सकते हैं और थोड़ा सा शांति से एग्जामिनेशन के माहौल को क्रिएट करके टाइम के साथ डिसिप्लिन तरीके से आप गूगल फॉर्म टेस्ट को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कैजुअल टेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा और थोड़ा सीरियस टेस्ट, दोनों टेस्ट आपको इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और बाकी जो भी है, जो भी चीज़ है, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कैसे एडमिशन लेना है ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।